नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्यों यूजर्स टेलीकॉम कंपनी ऑपरेटर्स के नंबर बंद कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पोर्ट कर रहे हैं। और फाइनली दोस्तों सारी कंपनियों को ये बहुत बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि एयरटेल की बात करें, जियो की बात करें, वीआई की बात करें, बीएसएनएल की बात करें, इस तरीके की ऑपरेटर कंपनियां बहुत ज्यादा परेशान है। बात करें दोस्तों एज पर ट्राई इंफॉर्मेशन के हिसाब से टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हर कोई चीज मैनेज करती है कौन सी टेलीकॉम कंपनी कितने यूजर यूज कर रही है और किस हिसाब से उसके यूजर्स का मूवमेंट हो रहा है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही वर्क करता है। जैसे कि दोस्तों जियो की बात करें, यहाँ पे मैं दोस्तों एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि मैं जो बात करूंगा वो मिलियन में करूंगा, करोड़ में करूंगा, लाख में करूंगा। कुछ मेरे से गलती हो जाती है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा, कुछ आपको समझ नहीं आया तब भी आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बात करें दोस्तों जियो की, जो कि कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है और ज्यादातर लोग अट्रैक्ट रहते हैं। अक्टूबर में 5G लॉन्च होना, उससे पहले कंपनियां छोड़ छोड़ के जाए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इफेक्ट हर किसी कंपनी को और हर किसी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी लगता है कि किसी देश के ग्राहक जो है टेलीकॉम ग्राहक कम हो रहे हैं और ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होता है, जीएसटी वीएसटी गवर्नमेंट से लेके कंपनियों तक का प्रॉफिट होता है। जैसे कि दोस्तों बात करें जियो के, जून 2022 में जो सब्सक्राइबर थे, मतलब जो यूजर थे, वो 383.24 मिलियन थे। मतलब कहीं ना कहीं 38,32,40,000 के करीब सब्सक्राइबर थे, जो कि जुलाई 2022 में ये 38,21,70,000 सब्सक्राइबर रह गए। टोटल लॉस की बात करें तो 1.07 मिलियन का लॉस हुआ, जो कि लमसम 10,70,000 यूजर्स छोड़ के चले गए सब्सक्राइबर, जिन्होंने सिम बंद कर दी, पोर्ट करवा लिया, या दोस्तों उनका मोबाइल खो गया, उन्होंने नई सिम ले ली। तो इस तरीके से भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंपनियों को फेस करनी पड़ रही है दिक्कत। जैसे कि दोस्तों वीआई की बात करें, कंटिन्यू लॉस में चल रही है, सब्सक्राइबर छोड़ छोड़ के मूव कर रहे हैं या सिम ही बंद कर दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट, जैसे हम कोई नई वीडियो डाले आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात करें दोस्तों फाइनली 2020 में जो टोटल नंबर्स ऑफ यूजर्स थे वो 117,30,00,000 यूजर इंडिया में यूज कर रहे थे टेलीकॉम मतलब सर्विस, जैसे कि सिम से, मॉडम से, या किसी भी तरीके से। मैं ब्रॉडबैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, कर टोटल वायरलेस की बात रहा हूँ। तो 117,30,00,000 लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इंडिया में टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कितना ज़्यादा फायदा होता होगा, जो कि 2021 में यह आंकड़ा कम नहीं हुआ, बड़ा, जो कि 117,85,00,000 पहुंचा। लमसम 54,00,000 के करीब सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए, लेकिन उस दौरान भी कुछ कंपनियों को घाटा हुआ। जैसे कि दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग नया सिम ले रहे हैं उन्होंने बंद कर दिया नया लेना, या जो लोग इस टाइम अपनी लाइफ का एक नया पड़ाव यूज मतलब फेस में आ रहे हैं कि यार मुझे अब मोबाइल की रिक्वायरमेंट है, मैं अब कौन से सिम लूँ, कौन से ऑपरेटर को चुनूँ, तो इसमें का कोई ऐसा मतलब नहीं है। लेकिन क्यों लोग सिम बंद कर रहे हैं, मेन मैटर हमारा वो है। सबसे ज़्यादा बात करें दोस्तों जो जियो के यूजर्स ज्वाइन करे हैं, उन्होंने 29,00,000 लोगों ने इस बीच मतलब एक तरीके से नए ऑपरेटर के तौर पर जियो को सिलेक्ट किया है 29,00,000 लोगों ने। बात करें दोस्तों एयरटेल की, तो 5,00,000 लोगों ने ज्वाइन किया एयरटेल को। और बीएसएनएल और वीआई की बात करें तो जैसे कि बीएसएनएल के लमसम 8,00,000 सब्सक्राइबर छोड़ के चले गए बीएसएनएल को, और वीआई की बात करें तो आइडिया एंड वोडाफोन की, तो वहां पे 17,50,000 के करीब लोग छोड़ के चले गए। वो कहीं शायद एयरटेल में मूव कर गए हो या वीआई में, मतलब बात की जाए एयरटेल में मूव कर गए हो, जियो में मूव कर गए, तो इस दो ऑपरेटर इंडिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मूव कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन्हें भी कहीं ना कहीं क्राइसिस का फेस सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब मेन रीजन क्या है, क्यों सब्सक्राइबर छोड़ रहे हो, क्यों लोग अपना सेकेंडरी सिम कार्ड बंद कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों बात करें एज पर ट्राई की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, पिछले कुछ सालों में जो मोबाइल रिचार्ज थे, जैसे कि दोस्तों पहले 150, 160, 200 रुपए में नॉर्मली काम चल जाता था, बट दोस्तों आज की डेट में आप कहीं ना कहीं 200-250 रुपए के रिचार्ज मिनिमम करवाते हैं, और हर कोई 3 महीने का करवाता है तो वो 700-800 रुपए के करीब पहुंच जाता है। तो मेनली तब इंसान इतना खर्चा एक सिम के लिए करता है, तो फिर उसे सेकेंडरी सिम के लिए भी चाहिए होता है, क्योंकि साथ साथ वैलिडिटी रखनी होती है। तो इसलिए ये मेन सबसे बड़ा रीजन है। ऐसा नहीं है कि यार मैं अपनी सारी रिक्वायरमेंट, हर कोई यही चाहता है कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी सी अलग रहे और जो मेरी पर्सनल लाइफ है वो थोड़ी सी अलग रहे। लेकिन आज की डेट में एज पर ट्राई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कि कहीं ना कहीं यूजर यही सोच रहे हैं कि एक ही नंबर को चलाना भारी पड़ रहा है, तो मैं दो ना रखूं,
तो इसलिए नंबर को ज्यादा कर लो, जो नॉर्मली दो सिम कार्ड चला रहे वो एक सिम कार्ड को बंद कर दे रहे, मतलब पोर्ट नहीं कर रहे वो किसी कंपनी में, जैसे कि एयरटेल वाले जियो में पोर्ट नहीं कर रहे, जियो वाले एयरटेल में पोर्ट नहीं कर रहे, या वीआई वाले एयरटेल में या जियो में पोर्ट नहीं कर रहे। दैट मीन्स ये है कि या तो ऐसा है कि जो जियो की सिम चला रहा है वो जियो की सिम बंद करके, या मेरा प्राइमरी नंबर है इसी को मैं यूज करता हूँ, क्योंकि जो बैंक अकाउंट में नंबर होता है वो ज्यादा पुरानी कंपनियों का, जैसे कि बीएसएनएल की बात करें, एयरटेल की बात करें, या दोस्तों बात करें वीआई की, आइडिया या वोडाफोन की, इनके पुराने नंबर्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं। अब क्या हो रहा है, नहीं तो लोग पोर्ट करवा रहे हैं या इन नंबरों को ही कहीं ना कहीं पोर्ट करवा के कंटिन्यू यूज कर रहे हैं या बंद कर दे रहे हैं, जो किसी बैंक अकाउंट से कनेक्ट नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यही मेन रीजन है इस वजह से, क्योंकि एक्सपेंसिव आप देखेंगे, आपने भी देखा होगा 2-3-4 सालों में तो कंपनियों ने बहुत ज्यादा जो अपने हाइक करे हैं प्राइस, कहीं ना कहीं इफेक्ट उनके यूजर्स पे भी है, लेकिन जो नए यूजर्स ऐड हो रहे हैं तो उन पे किसी तरीके का इफेक्ट नहीं है, क्योंकि उनके लिए एक तरीके से स्टार्टिंग फेज है। लेकिन दोस्तों बात करें, कंपनी ने, मतलब जियो कंपनी ने इस बीच 2 करोड़ जो अपने सब्सक्राइबर थे, जो यूजर्स थे जियो ने, सिर्फ 2 करोड़ सब्सक्राइबर ड्रॉप कर दिए, मतलब छूट गए उससे, लॉस्ट हो गए, कि उन्होंने या अपना सिम कार्ड बंद कर दिया, या वो एयरटेल में मूव हो गए, या वो वीआई में मूव हो गए, या बीएसएनएल में। ऐसा नहीं है कि ये दोस्तों आंकड़ा कि वीआई लॉस में चल रहा, तो उसमें नए ऐड नहीं हो रहे, नए ऐड हो रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू फेस कर रहा है वो कि कहीं ना कहीं लोग छोड़ के भाग रहे हैं, और कहीं ना कहीं 5G की तरफ आएगा फेस, जैसे कि अक्टूबर में 5G लॉन्च हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्क बीएसएनएल और वीआई पे दोबारा से पड़ेगा। बीएसएनएल कहीं ना कहीं क्राइसिस से बच जाएगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है वो एक तरीके की, तो वहां पे उसे एक ये कह सकते हैं कि पीछे से बैक सपोर्ट अर्निंग मिल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं वीआई में भी 51% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो उसे भी आप अर्ध सरकारी कंपनी मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखते हैं किस तरीके से मूव करता है। लेकिन एयरटेल एंड जियो पे 5G सेवा भी आपको मिलने वाली है, लेकिन अभी ये इतने बड़े लॉस फेस में नहीं जाएंगे, क्योंकि जियो ने अभी बताया था अपना 187 या 175 रुपीस वो पर यूजर्स अर्न कर रहे हैं, और बात करें एयरटेल की तो 125 या 135 रुपीस लमसम अर्न कर रहे हैं पर कस्टमर से, जो कि कहीं ना कहीं जो रिचार्ज 2 या 3 या 4 महीने का करवाते हैं, मतलब 3 महीने का, 6 महीने का करवाते हैं, तो उन पर उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।